अंशुमन के समर्थन में जलगांव रावेर में महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में लखीमपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र बंद किया गया। महाराष्ट्र बंद में रावेर शहर के महाविकास अघाड़ी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी ने 4 निर्दोष आंदोलनकारी किसानों को अमानवीय तरीके से कुचल कर मार डाला। उनके विरोध प्रदर्शन में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, प्रहार जनशक्ति पक्ष सरकार में शामिल तीनों दलों ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया है। इस दौरान पूरे महाराष्ट्र में दुकानें बंद रहेगी। लखीमपुर खीरी की घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, इनमें 4 किसान भी शामिल थे। इस घटना के बाद से ही केंद्र में मोदी सरकार, बीजेपी और योगी सरकार सवालों के घेरे में है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आज रावेर शहर में महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दलों ने मिलकर मोर्चा आंदोलन रैली निकालकर रावेर शहर की दुकानें बंद करवाई। शहर की मार्केट, मेन रास्तों पर मौजूद मॉल, सुपर शॉप, सभी दुकान इन्होंने बड़ी ही जल्दी दुकान बंद करके किसानों का सम्मान किया। लेकिन कुछ ही समय बाद आंदोलन करते जाने के बाद दुकानें वापस खुल गई, जैसे कि रावेर शहर में सम्मिश्र प्रतिसाद देखने को मिला है। महाराष्ट्र बंद में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, प्रहार जनशक्ति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कारण असं आहे की जे विरोधी पक्ष असलेले जे पक्ष आहे ते जनतेची बाजू मांडू शकतात, त्या संदर्भात आंदोलन करू शकतात, परंतु सत्ता भारतीय जनता पार्टीची असल्यामुळे त्याच्यावर महागाई कमी करणे किंवा त्याच्यावर उपाययोजना करणे हे भारतीय जनता पार्टीचं काम आहे आणि ते करत नाही आहे। त्यामुळे जनतेचा रोष आहे आणि असंच जर चालत राहत उद्याच्या दिवशी येणारा काळ त्याच्या सत्ता बदलाचा ठरेल। जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यावर किंवा कष्टकऱ्यांवर किंवा मजुरांवर किंवा व्यापाऱ्यांवर ज्या ज्या पद्धतीचा अन्याय अत्याचार हे सरकार करते त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, सर्वसामान्य जनतेच्या आवाजाचा आवाज बनवू आणि जे सत्ता उलथवण्याचा प्रयत्न करू। आणि आमची सत्ता आल्यावर महाविकास आघाडीची जनतेला सुख समाधानाचं जीवन कसं जगता येईल या पद्धतीनं आम्ही नियोजन करू। BCN न्यूज के लिए तहसील रावेर से उमाकांत मराठे की रिपोर्ट।